हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटर पनीर रेसिपी बताऊंगी। तो मटर पनीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए। 4 से 5 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, 2 कली लहसुन की ली थी जिनको मैंने छील ली है अच्छे से 2 गड्डी, और ये तेज पत्ता है, ये बड़ी इलायची और अदरक और पनीर, इसके बाद मटर और 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च। इन 2 चीज़ का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, और मसाले देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, ये मसाले लिए हैं मैंने। जीरा लिया है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया। तो ये देखिए, और बाकी मैं पेस्ट बना लेती हूँ और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं गैस जला के कढ़ाई पर रख देती हूँ। और इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच रिफाइंड डाला है। रिफाइंड मेरा गरम हो गया है। सबसे पहले मैं तेज पत्ता डालूंगी, और इसके बाद जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन और प्याज का, उसको डालूंगी। इसको हमें अच्छे से भूनना है। देखिए, 5 से 7 मिनट हो गया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुनने लगा है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा और भूनना है इसको, थोड़ी देर तक ऑयल छोड़ने लगा है ये। जब भी आप कोई मसाला भूने तो तब तक भूने जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ने लगे। ऑयल छोड़ने लगे मतलब समझ लीजिए कि मसाला हमारा तैयार है भूनकर। देखिए मसाला, ये मेरा जो पेस्ट था अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं एक टमाटर का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो डालूंगी। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है। इस तरीके से आप बीच बीच में थोड़ा चलाते रहिएगा। टमाटर का मसाला भी हमारा भुनने लगा है। थोड़ा टाइम लगता है इनको भुनने में, लेकिन आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। देखिए, टमाटर का मसाला भी मेरा भुन गया है, ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए, मैं इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 चम्मच, और गरम मसाला और नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। अब हमको मसालों को अच्छे से तलना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करें, कमेंट करें मेरे चैनल पे, मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या रेसिपी चाहिए, मैं वही बना के डालूँगी। तरीके से चलाते हुए हमें इसको भूनना है। देखिए, मसाला मेरा इस तरीके से भुनने लगा है। मैंने इसको बिल्कुल मंदी आंच में भूना है। थोड़ी देर तक और भूनती हूँ इसको। कम से कम सेकने में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता है मंदी आंच में, जब हम इसको चलाते हैं तो।
तभी अच्छे से भून पाता है और इसका टेस्ट अच्छे से आता है। देखिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। ये मटर जो है मेरा फ्रिज वाला है, इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है। अब इसको 5 मिनट तक पकने देते हैं, इसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। छोड़ा देखते हैं, 5 मिनट हो गया है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए अच्छी तरीके से भुन गए हैं हमारा सारा मसाला, मटर सब कुछ। अब हम इसमें पनीर ऐड करते हैं। ये पनीर को मैंने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है और मैं बिना फ्राई किया हुआ बनाती हूँ मटर पनीर। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, मेरे इधर सबको बिना फ्राई पसंद है। मंदी आंच में हमको इसको अच्छे से मिलाना है। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है पनीर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने इच्छा के अनुसार डाल लें, जितने लोग हों उस हिसाब से। अब हम इसमें नमक और जो हमने गरम मसाला लिया था और मटर पनीर मसाला, ये ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अनुसार। ये देखिए मटर पनीर मसाला मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आंच को हमें मीडियम ही रखना है, तेज आंच नहीं करनी है। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसको पनीर हमारा बन करके रेडी है। देखिए गर्म गर्म मटर पनीर हमारा बन करके रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।